वेलकम माय फ्रेंड्स टू माय श्री सुपर गार्डन। आज सितंबर का अंतिम सप्ताह है 2023 का, और आज बहुत ही सुहाना मौसम है। संडे का दिन है और आज मुझे वक्त मिला है अपने व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन का वीडियो। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है मेरे वीडियो का वो है विभिन्न गमलों के बारे में, उनका तुलनात्मक जो मैं बता रहा हूँ। ये जो है प्लास्टिक टेराकोटा या मिट्टी के पॉट के बारे में, फिर प्लास्टिक का जो पॉट है उसके तुलना मैं करने जा रहा हूँ, और फिर ये देखिए ये है सिरामिक का पॉट। ये एक सिरामिक का पॉट है और ये भी है सिरामिक के पॉट, और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए, ये भगवान बुद्ध का भी एक सिरामिक पॉट मैं लेके आया था, और जो प्लास्टिक का पॉट ये था एक तरह का, ये प्लास्टिक का पॉट मैं लाया था, और ये भी है एक प्लास्टिक का पॉट, और ये एक और प्लास्टिक का पॉट है। और देखिए ये मिट्टी का पॉट मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये मिट्टी का कितना सुंदर सा पॉट है। ये जो मैं लाया था पॉट, तो मैं कुम्हार के पास गया था और छोटे से पौधे के को लगाने के लिए छोटा सा पॉट, मिट्टी का पॉट जल्दी नहीं मिलता है। मैं ये वीडियो बिहार में पटना में मैं बना रहा हूँ, और मैं क्या किया कि मैं कुम्हार के पास गया और ये वाला जो पॉट आप देख रहे हैं उसको मैं दे दिया, ये वाला पॉट दिया मैं। और ये वाला पॉट दिया, तो ये दोनों पॉट को मैं दे दिया और कहा कि ये जो पॉट जो मुझे मिल के मिला कुम्हार से, ये देखिए कितना सुंदर है। और मैं क्या बोला कि ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा मोटा यहाँ कर दीजिएगा ताकि सुंदर लगे। और जनरली मिट्टी के पॉट में आप जब भी खरीदते होंगे नर्सरी में, तो आपको पाते होंगे कि इसमें एक ही छेद रहता है, मगर देखिए इसमें दो छेद। मैं सभी गमलों में, ये तो बड़ा वाला थोड़ा गमला है, तो इसमें दो छेद मैं बनवाया हूँ। और ये देखिए ये छोटा वाला पॉट है जो सर्कुलेंट्स के लगाने के लिए मैंने बनवाया है, और ये देखिए ये दो छेद में बनवाया हूँ। तो ड्रेनेज होल भी मैं ज़्यादा बनवा दिया ताकि पानी जो है गमला से जल्दी निकल जाए। तो इन सभी गमलों में, जैसे कि मिट्टी का गमला है, प्लास्टिक का गमला है, और ये सिरामिक का गमला है, तो मुझे जो सबसे प्रिय है इन सभी सिरामिक मिट्टी और इसमें, तो सबसे जो ज़्यादा प्रिय है वो है मेरा मिट्टी का गमला। तो ये देखिए मैंने मिट्टी के गमले को सुंदर बनाने के लिए मैं एक ब्रश ले आया था, और ये देखिए ये कितना सुंदर पेंटिंग मैंने कर रखा है। और इसके जो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इसका फिनिशिंग भी हमको मुझे जो ये कुम्हार दिया था बना के, ये बहुत ही अच्छा था। और इसके सभी एजेस में लाल रंग में ले लिया और इसको लगाया। इसको लगाने के पहले मैंने एक ब्रश खरीद लिया था स्टेशनरी के दुकान से, और पेंट के दुकान से एक लाल पेंट और एक हरा पेंट, दो ही पेंट लिया था ताकि मैं गमलों को उगा सकूं, गमलों पर सजा सकूं। और ये जो है सिरामिक पॉट, आप ये देखिए, ये लोग इसको इसलिए खरीद लेते हैं, ये तो महंगा भी होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, सबसे ज़्यादा महंगा होता है मिट्टी के गमलों से और प्लास्टिक के पॉट से भी। और ये देखिए इसमें एक ही छेद है, बड़ा सा छेद है, ये दिया हुआ है। तो इन सभी पॉट का तुलना मैं करूँगा, तो
चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी का गमला है, ये तो छोटे आकार का है, ये भी जो मिट्टी का गमला है उससे जस्ट बड़ा वाला आकार का है। तो ये देखिए मैंने कैसा कैसा डिज़ाइन मैं बना के रखा हूँ, इसका डिज़ाइन देखिए। और इस तरह से अभी आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा जो डिज़ाइन है मैं आपको और दिखा रहा हूँ डिज़ाइन, ये देखिए। और तीसरा देखिए, ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये ऊपर एज लाल है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो सभी गमलों में मैंने दो दो छेद बनवाया है। मिट्टी के गमलों में जब भी आप लेने जाएंगे नर्सरी में, उसमें एक ही छेद रहता है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी गमलों का क्या तुलनात्मक प्रयोग होता है। तो ये देखिए, ये मिट्टी जो पहला जो पॉइंट है, ये मिट्टी गमला छोटा है, ये भी छोटा साइज़ का है। तो अगर इसमें हम मिट्टी भर देते हैं तो ये तो छोटा साइज़ है, इसलिए इसको उठा के हमको इधर उधर रखने में दिक्कत नहीं आएगा। मगर अगर बड़ा साइज़ का गमला है, 10 इंची, 12 इंची, 16 इंची गमला अगर रहता है, अगर उसमें मिट्टी भर देंगे तो वो गमला बहुत ही भारी हो जाता है और उसको हमको शिफ्ट करने में बहुत ही परेशानी आता है। तो ये तो है एक नेगेटिव पॉइंट है ये मिट्टी के गमले का, जो कि मिट्टी का गमला जो है बहुत भारी हो जाता है। मगर इसका जो फ़ायदा है जब आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मिट्टी का गमला हम लोग के साथ पौधे के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। तो पहला जो पॉइंट है आपको मैं बता दिया है। तो क्या होता है कि इन गमलों में, इनके सरफेस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि ऑक्सीजन एवं हवा ये अंदर, इस सरफेस से अंदर आना जाना बाहर हो कर सकता है। इससे क्या होता है कि पौधा का जो जड़ होता है वो सांस ले सकता है और इसका जड़ का जो है विकास में भी मदद करता है। तो मिट्टी का गमला जो है बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा जो पॉइंट है कि मिट्टी के गमले में सतहों पर जो छिद्र होता है उससे जब हम वाटरिंग इसमें करते हैं, पौधे में जब वाटरिंग करते हैं तो इसका सरफेस भींग जाता है और वाष्पीकरण के सिद्धांत के अनुसार इसका सरफेस ठंडा रहता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में जब पौधा स्ट्रेस में आ जाता है तो ये जो मिट्टी का जो गमला है ये पौधा को ठंडा रखता है, इससे जड़ों का भी विकास होता है। तो मित्रों, आप जो है जो पौधा बहुत गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उस पौधा को तो आप मिट्टी या के गमले में ही लगाएं। दूसरा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि गार्डनर से जो हैं वो पौधा उगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा इसमें पानी डाला जाता है। ज़्यादा पानी डाल देने के से क्या होता है कि कोई कोई पौधे होते हैं जो बहुत ही, कहिए कि ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं बर्दाश्त करते हैं और वो जल्दी उसमें बैक्टीरिया और फंगस का अटैक लग जाता है और जो है वो मर जाते हैं। अगर इस पौधे में गलती से अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाता है तो चूंकि इस गमले के सरफेस पर वाष्पीकरण लगातार होते रहता है तो मिट्टी का गमला जो है, अगर आप ओवर वाटरिंग भी कर दिए गलती से तो ये जल्दी सूख जाता है, इसके अंदर का जो पॉटिंग मिक्स है वो जल्दी सूख जाता है। इससे जो है बैक्टीरियल और फंगल अटैक जो है पौधे पर कम लगता है।
अब जैसे कि आप ये देखिए, एक पौधा है, मैं आपको अभी कुछ देर के बाद मैं इसका पॉटिंग भी दिखाऊंगा। आज मैं संडे का दिन था और 5-6 दिन से हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, वातावरण बहुत ठंडा हो चुका है, तो मैं समझा कि ये अभी उपयुक्त समय है लक्ष्मी कमल, डिफरेंट वैरायटीज़ का लक्ष्मी कमल को लगाने का। तो मैं मिट्टी का गमला में ही लगाऊंगा, मैं उसको आपको दिखाऊंगा भी। देखिए ये जो एक वैरायटी है ये लक्ष्मी कमल का जो मैं लाया हूँ, ये दूसरा वैरायटी है, ये देखिए ये कितना अच्छा रंग का ये वैरायटी है ये, और ये चौथा है, इसके एजेस में पिंक कलर है, और ये देखिए ये मोटे मोटे पत्ते कितना सुंदर लग रहा है। और अभी हम लोग इसके ग्रोइंग पीरियड में प्रवेश करने वाले हैं, तो मैं ग्रोइंग पीरियड में मैं सोच रखा था इसका पॉटिंग करने के लिए, मगर चूंकि ठंडा हो गया है तो मैं इसको रिपॉट करके और इसको ठंडे जगह में ही रखूंगा, ताकि जब नवंबर का समय आ जाए तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगा और उसमें धूप लगने दूंगा। और तो चलिए हम लोग जो टॉपिक पर बात कर रहे थे उस पर चले हम लोग। तो ये जो पौधा आप जो देख रहे हैं, इसमें अगर थोड़ा सा भी आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इसमें फंगल अटैक बहुत ही जल्दी पकड़ता है, बैक्टीरियल अटैक बहुत ही जल्दी पकड़ता है, और आप देखेंगे कि पौधा गलने लगा और मर गया। तो इन और चूँकि बहुत ये पौधे जो होते हैं ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इनको ठंडा रखने के लिए ये मिट्टी का पॉट उपयुक्त होता है। और ये देखिए मैं इसको उस इमेज के सुंदरता को भी बढ़ा रखा हूँ, तो लोग सुंदरता के चलते सिरामिक पॉट को लेते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये मिट्टी का पॉट को लीजिएगा। अब जो है ये प्लास्टिक का पॉट के बारे में मैं बताता हूँ। तो ये रहा ये प्लास्टिक का पॉट एक है, इसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं। तो मैं जो मिट्टी का पॉट मैं बनवाया था, तो मैं ड्रेनेज होल आवश्यकता अनुसार उसमें भी ज़्यादा मैं बढ़ा सकता हूँ, बशर्ते कि आप जो मिट्टी का गमला जो बनाता है उसके पास जाएं तब वो बनाएगा, नहीं तो आप अगर बाज़ार से अगर मिट्टी का गमला लाएंगे तो उसमें एक ही छेद आपको मिलेगा। इसका सबसे जो ड्रॉबैक पॉइंट क्या होता है कि इसका जो सरफेस जो होता है, ये जो देख रहे हैं ना, इसका सरफेस जो होता है इसमें पोर्स नहीं होते हैं, और पोर्स नहीं होने के कारण क्या होता है, जिस तरह से मिट्टी का गमला का सरफेस में ऑक्सीजन और हवा अंदर आना जाना कर सकता है, इस पौधे में ऑक्सीजन का आना जाना सिर्फ नीचे वाले जो होल्स हैं, ड्रेनेज होल्स हैं, उसी के द्वारा होता है, मगर सरफेस से नहीं हो पाता है। इसलिए रूट का ग्रोथ ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ रहा है और रूट आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं है, रूट का ग्रोथ में असर नहीं पड़े, तो मिट्टी का गमला हम लोग लेंगे। अब आप देखिए ये रहा ये एक सिरामिक पॉट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसके साथ भी वही स्थिति है, ये देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, ये एक है, और इसमें के इसके सरफेस में भी पोर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसके सरफेस से भी हवा और ऑक्सीजन का आदान प्रदान रूट्स को नहीं होता है। ये एक और मैं आपको सिरामिक पॉट दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये कितना सुंदर सिरामिक पॉट है, देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। और एक और मैं सिरामिक पॉट आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए ये बुद्ध भगवान का सिरामिक पॉट मैं लाया हूँ, और इसका भी खासियत है कि सब पौधा के लिए ये मिट्टी का गमला का मिट्टी जो है ऐसा नहीं, मैक्सिमम पौधा के लिए मिट्टी का गमला ही जो है ज़्यादा फायदेमंद है, मगर कुछ पौधा ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा नमी जो है चाहते हैं, तो वैसे पौधों के लिए जैसे कि फिलोडेंड्रन हो गया,
अंथूरियम हो गया या कैलेथिया हो गया, ये सब पौधों जो है, ये जो हैं, ये आप लक्ष्मी कमल हो गया, ये आप मिट्टी के गमले में लगाएंगे। और जो पौधे जो ज़्यादा नमी में उगते हैं, आप उनको आप इस प्लास्टिक के पॉट में आप उगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक लक्ष्मी कमल को मैं रिपोर्ट करके दिखाऊं। अब देखिए, ये मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं। तो ये एक सीडम का वैरायटी है, इसको मैं इस तरह से काट लेता हूं और देखिए ये जो है, ये पत्तियों का खाद और वर्मी कंपोस्ट है इसमें, और कोकोपीट है उसी में डाला है। और ये अभी जो मैं पौधा नर्सरी से लाया हूँ, पूरा भींगा हुआ है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे मैं इसको लगाऊंगा। तो ये देखिए, ये एक थर्मोकॉल है, मैं इसको लाया हूँ। और ये छोटा वाला जो गमला है, इसमें मैं इसको, इस सुंदर सा सीडम को मैं इसमें डालूँगा। तो इसके जो देख सकते हैं, इसमें दो छेद है और कुछ टुकड़े ये थर्मोकॉल का मैं इसमें डाल दूँगा, ताकि इसका ड्रेनेज होल जो है चोक नहीं हो, बंद नहीं हो। अभी चूंकि सितंबर है और चूंकि 5-6 दिन से बारिश हो रहा है, तो अभी मौसम ठंडा है, मगर धूप निकल जाने के बाद में फिर से 35-40 आसिन का भी महीना है, बहुत गर्मी रखता है, बहुत ह्यूमिडिटी रहता है। तो अभी भी बहुत सा चांस है इसमें रूट रॉट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। ये देखिए, अपने से ये झड़ गया और ये जो है, तो देख सकते हैं कि क्या करेंगे कि मैं ये जो गिरा है इसको पॉटिंग मिक्स में डाल दूंगा। ये पूरा भींगा हुआ है, मिट्टी का पॉट है ये, जो भींगा हुआ जो है, ये जो ये भी भींग जाएगा और ये इवापोरेशन होता रहेगा तो ये जल्दी सूख जाएगा। इसीलिए मैं इसको मिट्टी के पॉट में लगा रहा हूँ। और ये देखिए, इसको मैं लगा दिया। इसका वही मिट्टी मैं रहने दिया हूँ जिस मिट्टी में ये पहले से लगा हुआ था। ये देखिए, थोड़ा सा मिट्टी है, मैं इसको साफ़ कर दूँगा ब्रश से। तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा प्रेस भी कर दिया। और अभी मैं इसमें कम से कम एक सप्ताह पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि कुछ मैंने पॉटिंग मिक्स में बना रखा था, तो थोड़ा सा जो गैप या स्पेस था उसको मैं भर दे रहा हूँ। और
और इसको इसी तरह से मैंने लगा दिया है। और आप देख सकते हैं कि मिट्टी का पॉट मैं लगाया हूँ। मैं पहले ये जो नर्सरी से लाया था ये पॉलीथीन में लगा हुआ था, और अब ये जो है इसमें सरफेस में ऑक्सीजन और हवा दोनों अंदर आना जाना हो सकता है, इससे ये बढ़िया चलेगा। और मैं अभी इसको लगाया हूँ तो इसको मैं अभी घर के अंदर रूम में रख दूँगा जहाँ हल्का सा धूप आता हो सुबह का। और अभी चूँकि इसका मिट्टी बहुत गीला था मैं पानी बिल्कुल नहीं दूँगा, कम से कम एक सप्ताह तक। एक सप्ताह के बाद मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा, थोड़ा थोड़ा सा मात्रा में, क्योंकि अभी जो धूप निकलेगा तो तापक्रम एकाएक 35 से ऊपर हो जाएगा, नमी बहुत ज़्यादा रहेगा। तब तक इसका मिट्टी सूख गया होगा तो इस पर फंगल या बैक्टीरियल अटैक नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मित्रों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए आप लाइक करते हैं। और कमेंट भी ज़रूर डालिएगा और मैं इसका ज़रूर आंसर करूँगा। तो आप यदि इन पौधों इन सुंदर सीडम या लक्ष्मी कमल या एचवीरिया से जुड़ते हैं तो एक तरह से ईश्वर से जुड़ते हैं, तो प्रकृति से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कनेक्ट टू गॉड, कनेक्ट टू नेचर। थैंक यू।